तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी कर। छंडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। छंद नंबर 3 देखिए। प्रस्तुत छंद में पंडित प्रवर दौलतराम जी इस ग्रंथ में पूर्वाचार्यों के अनुसार ही कथन करने की प्रतिज्ञा करते हुए सर्वप्रथम निगोद के दुखों का वर्णन करते हैं। ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है किससे हो रहा है? निगोद के दुखों से। ये चर्चा जिनागम के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होती। निगोद शब्द ही निगोद, निगोद की पहले चर्चा की है। निगोद नहीं है जहां किसी की गोद, किसी असहनीय दशा है। जैसे एक व्यक्ति अंधा लवड़ा लूला बहरा गूंगा हो और कोई पूछने वाला ना हो, भोजन देने वाला ना हो, कोई वस्त्र आदि ना हो, बोलो ऐसा एक व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति हो? अंधा लंगड़ा लूला गूंगा बहरा ऐसा व्यक्ति। पर ऐसे ही निगोद अवस्था में भी ज्ञान श्रद्धा चायत की ऐसी दशा है, एकदम पराधीन अवस्था। ये तो अपन अभी अंधा लंगड़ा लूला गूंग की बात कही। यदि कहीं हम अकेले परदेश में फंस जाएं, वो 5 पैसे जेब में ना हो, कोई पहचान का चेहरा ना देखे, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे अपने घर पर ही कोई सारे घर के लोग चले जाए और अकेला रहना पड़े कुछ दिन, कैसा लगेगा? ये कल्पना करने की बात है। यानी ऐसी दशा ये निगोद की है जहां नहीं है किसी की गोद। किसी की गोद नहीं है, किसी की गोद नहीं है मतलब देखो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं तो सब जीवों को है। क्या कहा? आहार भय मैथुन और परिग्रह, कसाएं तो सबको है, इच्छाएं तो सबके पास है, सब धनी है। अज्ञान मिथ्या कसायों से सारे 3 लोग के जीव धनवान है, वैभववान है, कोई कमी नहीं है। तो ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो परिणाम है, इन परिणामों के कारण प्रत्येक जीव अज्ञान भय भ्रांति और भय अर्थात दुख से व्याकुल है। पेड़ की जड़ें भी वहां जाती हैं जहां पानी हो, पता है आपको? चींटी भी वहां जाती है जहां से खुशबू आती है, भोजन खोजती है 24 घंटे। देखो आप मकड़ी मच्छर रात भर बेचारा मेहनत करता है, नहीं करता भोजन के लिए पूरे टाइम, क्योंकि भूख की वेदना होती है, वेदना। बच्चा जन्मते से ही रोता है, क्यों? उसे भी भूख लगती है, बच्चे को तड़पता है। तो ऐसे इच्छाओं से भूख की प्यास की भय, इनसे जीव दुखी है, वो निगोदिया भी निरंतर दुख। लेकिन वहां पर कोई गोद नहीं है, शरण नहीं है, उन दुखों को मिटाने वाला कोई नहीं है वहां पर। गोद तो है एकमात्र दुखों की ही गोद है। किसकी गोद है? दुखों की गोद, दुख ही दुख। जैसे सिद्धों को सुख ही सुख, ऐसे निगोदिया को दुख ही दुख। दुख किसका है? नोट कर लेना, अज्ञानता पूर्वक कसाए का।
कसा इटसेल्फ दुख रूप परिणाम है और ज्ञान उसका वेदन करता है। क्या कहा? अज्ञान है ना, परलक्ष है, अज्ञान दुख का वेदन करता है और जो कसाय रूप परिणाम है वो दुख रूप है। कसाय कितने हैं? 23, टोटल कितने हैं? 25। निगोदिया जीव को 23 कसाय का उदय, कितनी? स्त्री और पुरुष वेद को छोड़कर 23 कसाय का उदय। तो वो 23 कसाय का उदय और उसमें दुख ज्ञान, वहां पर उसका लक्ष्य है, शरीर का लक्ष्य है, तो दुख का वेदन। देखो कोई आपके बाल खींचे तो आप दुखी हो, ये तो अलग बात है, लेकिन कोई आपके बाल के बारे में बोले कैसी हेयर स्टाइल है, ऐसी हेयर स्टाइल रखते हो तो कितनी तकलीफ होती है, ये बाल कैसे हो गए, ये चेहरा कैसा हो गया, अभी अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी बाल चेहरे से हाथ नहीं लगाया। ज्ञान में ये मेरे बाल, ये मेरा चेहरा, तो वो ज्ञान उसका लक्ष्य करके उसमें कसाय दुख उत्पन्न होता है। ऐसे ही जिसने गोदिया शरीर को, शरीर में एकत्व है, कसाय में एकत्व है, तो उसको उनका दुख होता है। किस अवस्था की चर्चा चल रही है? छेड़ाला ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। निगोदावस्था से द्रवलिंगावस्था तक, कहाँ तक? निगोद अवस्था से लेके द्रवलिंगी मुनि अवस्था तक एकमात्र दुख का ही साम्राज्य है। किसका साम्राज्य है? दुख का साम्राज्य। कोई जीव हो चार गति में, राजा हो, महाराजा हो, इंद्र हो, इंद्र मतलब ये देवादि, कोई हो, एकमात्र बस पर का लक्ष्य और पर लक्ष्य से दुख। अभी बैठे बैठे आपको कोई चीज याद आ जाए तो क्या होने लगा? वकील साहब, आज किसी बड़े वकील ने आपसे कुछ बोल दिया था, हमें पता है, आपको याद आ जाए अभी तो कैसा लगता है? अरे यहाँ कह रहे, मतलब प्रवचन में भी बैठे हैं, अपन आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, लेकिन ज्ञान में वो लक्ष्य में आता है, कसाय उत्पन्न होती है, क्या होता है? उसे दुख का वेदन होता है। पूजा कर रहे हो, अरे चौथे पंचम गुण स्थान वर्ती को भी जो परलक्ष होता है और जो कसाय उस समय जितनी होती है उतना उसको दुख का वेदन होता है। बस समझ आ रही है? दुख का वेदन। निगोद अवस्था की चर्चा, सर्वप्रथम निगोद के दुखों का वर्णन करते हैं। सुनो, निगोद का वर्णन क्यों करते हैं? कि निगोद जाने के काम हम मत करना, इसलिए करते हैं। क्या कहा? बोलो एक साथ। क्यों इसको ये इसे पूरा मुंह सड़ गया, ये क्या हो गया? गुटखा खाता था ये, ए भैया अब हम नहीं खाएंगे गुटखा, समझ आया? तो उसके कारण का निषेध करते हैं। ऐसे ही निगोद की चर्चा क्यों हो रही है? कि हम निगोद जाने का काम नहीं करेंगे। निगोद जाने का काम क्या है? भूल स्वयं के वैभव को, मिथ्यात्व, अज्ञान। पांच पाप निगोद के कारण नहीं है। क्या कहा? पांच पुण्य भी निगोद के कारण नहीं है। निगोद का कारण बोलो, अज्ञान, भूल आपको। तो आज के बाद हम अपने स्वरूप को जानने का उपाय करेंगे। ये प्रतिज्ञा, ये पॉजिटिव अप्रोच, क्या करेंगे? इस पूरे मनुष्य पर्याय को हम दूसरे स्थूल धर्म के काम में भी नहीं लगाएंगे। क्या कहा? लक्ष्य बनाना पड़ेगा ना, लक्ष्य। क्या क्या किस काम में लगाएंगे? अनादिकाल से स्वरूप नहीं जाना, उसके फल में निगोद अवस्था होती है। अब हम क्या करेंगे? स्वरूप जानेंगे,
गाथा गोमट सार में भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती, भाव कलंक की प्रचुरता से जीव निगोद वास को नहीं छोड़ता। तो हम छोड़ के आ गए, तो अब यदि हम भाव कलंक रखेंगे तो क्या होगा, निगोद जाएंगे। और ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में कि त्रस की स्थिति तो थोड़े काल की है। क्या कहा, त्रस समझते, त्रस मौसाजी, त्रस मतलब, अरे मौसाजी होगा हमारे, हाँ मौसाजी, त्रस मतलब इतने सरल चीज है तो एकदम बिल्कुल। जीव के दो भेद किए, त्रस और स्थावर। त्रस जीव किसे कहते हैं, जो चलते फिरते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं, चलते फिरते गमन करते हैं। वकील साहब कौन से जीव कहलाते हैं, त्रस जीव कहलाते हैं। परिभाषा लिखो, परिभाषा, जिन्हें त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं। आगम की परिभाषा है पहले, त्रस की, त्रस जीव किन्हें कहते हैं, त्रस नाम कर्म का जिन जीवों को उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं। फिर उनका डिवाइडेशन होगा तो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, ये जितने जीव हैं सब ये त्रस जीव कहलाते हैं। जो चलते फिरते हैं वो नहीं, स्थावर जीव किन्हें कहते हैं, उत्तर दो, उल्टी कर दो बस, जिन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय होता है स्थावर जीव कहते हैं। जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, और निगोद है वो वनस्पति कायिक का भेद है ना। बाकी निगोद में पांचों पांचों भी आते हैं, ऐसा भी उल्लेख है आगम में। जल कायिक में भी ऐसा देखना, जो भी हो वनस्पति काय के भेद में आते हैं। हाँ वनस्पति में ही आते हैं सिर्फ निगोद राशि, हाँ सामान्य वनस्पति के दो भेद हैं, सामान्य और विशेष। तो उसमें सामान्य जो वनस्पति है उसका लक्षण है वो निगोद, एक श्वास में इसमें जो आएगा अभी उसमें, इसमें थोड़ा अंतर है कुछ है। अभी क्या बात चल रही थी अपनी, कि भाव कलंक की मुख्यता से प्रचुरता से जीव कहाँ रहता है, निगोद में। और यहां पर भी पंचेंद्रीय अवस्था प्राप्त होने पर भी भाव कलंक दूर नहीं हुआ, तो टोडोमल जी साहब कह रहे हैं कि फिर अनंत काल के लिए निगोद अवस्था में चला जाएगा। एक रचना बनाई थी पहले, क्या करोगे तुम जीकर बिन सम्यक दर्शन के, तत्व निर्णय के, ज्ञायक के निर्णय के सीधे निगोद जाओगे, सीधे निगोद। ऐसा है, समझ में आया। तो निगोद खतरनाक है, नरक की लिमिट है, त्रिरंज की सामान्य रूप से लिमिट है, लेकिन निगोद एक अवस्था विशेष ऐसी है जिसकी कब जीव निकले, कब निकले जीव। बराबर, अत्यंत हीन गति, निगोद मतलब अत्यंत हीन गति। क्यों हीन गति, जहां ज्ञान ऐसा हो जाता है अक्षर के अनंत वे भाग, कैसा कैसा हो गया, अक्षर के अनंत वे भाग, जो ज्ञान की शक्ति थी जिससे हम सदुपयोग करके सिद्ध बन सकते थे, अनंत आनंद ले सकते थे, वो ज्ञान कैसा हो गया, अत्यंत 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 ही खत्म हो गई वो। और ये भी दुष्परिणाम, अभी वर्तमान से बोले
तो अभी भी ज्ञान का सदुपयोग नहीं करोगे, इसलिए वो ज्ञान की ऐसी ही अवस्था हो जाएगी। क्या कहा? जो पूंजी मिली है वो पूंजी का आप सदुपयोग नहीं करोगे। प्रकृति माप नहीं करती, बहुत दोनों बाद वाक्य बोल रहे हैं, प्रकृति माप नहीं करती। कैसे माप नहीं करती? कुदरत ने आपको अभी भगवान आत्मा समझने लायक ज्ञान दिया और तुम उस ज्ञान को इस आत्मा के समझने में ना लगाओ तो अब क्या होगा? प्रकृति वो शक्ति छीन लेगी। बात समझ में आ रही है? आपके हाथ में, पैर में, आपकी इंद्रियों में, जो भी शरीर के अंग है, शक्ति है उसमें, शक्ति। आप उस शक्ति का उपयोग मत करो तो धीरे धीरे वो शक्ति, बस आप बाहर से चीजें लेने लगो, इंसुलिन लेने लगो, दवाइयां लेने लगो ताकत की ऐसी, तो जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी शक्ति उल्टी दस्त पता है क्या है? लीवर में जो चीज पहुंचती है उसको छोटा ब्रेन कहते हैं, सेकंड ब्रेन कहलाता है। सबसे बड़ा अंग है लीवर शरीर का, 2.5 किलो वजन होता है, महत्वपूर्ण अंग है लीवर। एक ऐसी चीज है जब उसमें कोई चीज पहुंचती है, और लीवर इतना दिमाग वाला होता है, ये शरीर के इस समय योग नहीं है, तो वो दस्त या उल्टी के माध्यम से उसे बाहर निकालता है। ये लीवर का काम है, वो एडॉप्ट नहीं करता, एडॉप्ट। और दवाई इंजेक्शन के रूप में कब दी जाती है? ये मेडिकल साइंस है कि जब लीवर टैबलेट के फॉर्म में दवाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब तो वो काम ही नहीं कर रहे थे भाई, बेअसर हो रही है, तो अब इंजेक्शन लगाओ, चोर दरवाजे से दवाई को डालो। इंजेक्शन इंसुलिन कोई भी चीज की हो, इतने खतरनाक है, डायरेक्ट खून में भेज दो, क्योंकि मुंह के जरिए जाएगी तो वो निश्चित कहां जाएगी? वो लीवर में पहुंचेगी, लीवर उसको। बस समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? समझा रहे क्या कहना चाह रहे हैं? कि प्रकृति में जो चीजें दी हैं उनका आप सदुपयोग नहीं करोगे तो प्रकृति क्या करेगी? वो शक्ति हीन होगी। हमने आपको 50 रुपए दिए, ये रख लेना हमारे, और दो थोड़े दिन बाद मांगे वो 50 रुपए दिए थे, वो तो खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अब 500 देंगे रखने? देखो आप लापरवाह व्यक्तियों को अब कोई पद नहीं मिलता, कोई योग्यता नहीं मिलती। चिंतन भैया माइक पे आकर बोलो जरा 5 मिनट। एक बार बुलवाया, दो बार बुलवाया और ढंग से नहीं बोले, तीसरी बार बुलवाएंगे? अरे भैया इनसे बात समझ आ रही है? कितनी बार होगा वो शक्ति छीन ली जाएगी आपसे। समझ आया? एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ऐसे ही प्रकृति ने आपको संगी पंचेंद्री अवस्था रूप ज्ञान दिया भेद विज्ञान के लिए। एक भजन है रजनवाणी का, उसमें लिखा है सैनी होके असैनी है, सुना है नहीं सुना? सैनी होके कौन? जिसने जनवाणी नहीं सुनी, तत्व ज्ञान नहीं किया, मन का सदुपयोग नहीं किया, क्या होगा? मन नहीं मिलेगा, दुरुपयोग से दुख है। प्रकृति माप नहीं करती। ऐसे ही जो ज्ञान प्रकट हुआ है, इस ज्ञान का यदि आपने आज सुबह की चर्चा बोलो, मोक्षार्थी नहीं, क्या चर्चा थी? एकमात्र आत्मार्थी, धनार्थी लोभार्थी आत्मार्थ। सबसे उत्कृष्ट शब्द है ये आत्मार्थ, मोक्षार्थी नहीं, देवगति के अर्थी नहीं, यश नाम के अर्थी नहीं, धन के अर्थी नहीं, किसके? देहार्थी नहीं, आत्मार्थी। वही छठे कलश में आचार्य ने कहा, नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर क्या प्राप्त हो? आत्मा ही हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे आचार्य, एक आत्मा ही प्राप्त हो।
क्यों हो? क्योंकि उसको जाने भी नहीं सारे दुख है, और उसको जानेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बराबर। सर्वप्रथम छेड़ाला में किसका वर्णन है बोलो? निगोद अवस्था का, निगोद का वर्णन है। बराबर। निगोद के दुखों का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? इसका उत्तर चल रहा था, क्योंकि निगोद जाने के कारण को छोड़ना है, अज्ञान त्याग मुख्य निगोद का कारण है। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा, सप्त विषन से भी बड़ा पाप कहा। सबसे पहले किसे छोड़ना है? लक्ष्य बनने की बात है। सिर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, चलते भी नहीं बन रहा है, और खबर मिली कैंसर भी है, तो सबसे पहले कौन से रोग मिटाना है? अरे सिर दुख रहा है, कैंसर तो दिख भी नहीं रहा, क्या मिटाए सबसे पहले? कैंसर। जो काम शरीर में कैंसर करता है, वही काम आत्मा के लिए अज्ञान करता है। क्या कहा? कौन करता है? अज्ञान करता है। अज्ञान से ही दुख लिखा है, लौकिक में लिखा है। लौकिक चिंतकों ने, यदि आपको किसी का अहित करना हो तो उसकी आप बुद्धि को हर लो। आपको और कुछ नहीं करना, उसके दुकान मकान पत्नी बच्चे सब बर्बाद करने हो, उसकी लाइफ पूरी, तो क्या कर लो? तो बुद्धि लगा लो, जुआ सट्टा खेलने में, कछू में भी, क्रिकेट में, कोई भी व्यसन में, फिर क्या होगा? अब उसे बर्बाद नहीं करना। इतिहास गवाह, 5 पांडव बर्बाद हो गए थे, नहीं हो गए थे? बुद्धि को कर दो, ऐसा है। ये ब्रेन वॉश होता है जिहाद के नाम पे, क्या होता है? मतलब आतंकवादी पढ़े लिखे भी धर्म के लिए, बोलो आप, धर्म के लिए। ऐसे अपन अपने बच्चों को भी, बेटा पढ़ो लिखो, सर्विस करो, व्यापार करो, ऐसा जहर भर दिया, अब उन्हें दर्शन पूजन पाठ तुम्हारी चिंता कुछ नहीं, अब धर्म संस्कृति कुछ नहीं, एकमात्र लक्ष्य क्या है? कमाई 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 कमाई, एक चीज हो गई। अब वो पूरा दुर्लभ मनुष्य पर्याय का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। कुछ सर्विस करने वाले बच्चे, ये लड़की है जो कभी ससुराल भी यहाँ पे आए माए के, तो कभी पूजन स्वाध्याय कोई मतलब ही नहीं है, वही उनका जो चला ढला है अपना। माता पिता भी ये कहते हैं, अब बेचारी आई है इतने दिन बाद तो सुन दो सुन दो। ये दिमाग में बिल्कुल तम ऐसा फिक्स कर दिया, बिल्कुल पूरा। अभी अभी तुम्हारे धर्म के दिन है, अभी अभी तो कमाने के हैं, दुकान खुलने के हैं, बिजनेस बढ़ाने के हैं, ऐसा है। सबसे बड़ा पाप अज्ञान, सबसे निकृष्ट फल निगोद, ये लिख लेना। सबसे बड़ा पाप और सबसे निकृष्ट मतलब सबसे बड़ी सजा। काला पानी की सजा सुनी है? काला पानी, अरे सुनी कि नहीं सुनी? ये लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया, इतने हजारों नेता थे ये जनसंघ के, इंदिरा गांधी ने सबको ऐसी कोठरियों में बंद किया था, 4 फीट बाई 2.5 फीट। पता है नहीं पता? अरे पता है कि नहीं पता? आज ही सुन रहे हैं।
ऐसी कोठरियों में बंद किया था। किताबों में लिखी है तो इतिहास की, आप तो इतना गुस्सा नहीं हुआ, हुआ है ऐसा भी हुआ है, चीजें होती है कोठरी होती है। अरे वो, अरे हमें वो थोड़ी बताना है या प्रयोजन क्या सिद्ध करना है। ये तो प्रसिद्ध चीजें हैं, वो कोई बात नहीं है, कुछ समय के लिए रहे, क्या रहा वो सब, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी भी जेलें बनाई थी, ऐसी बैरक बनाई थी, ऐसी चीज है वो, और ऐसा ऐसा हुआ है। कोई अपने कोई कल्पना थोड़ी बोल रहे हैं, किसके साथ हुआ, कितना हुआ, वो एक अलग मैटर है, हुआ ऐसा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे थे कि जैसे ये सजा मिलती है, अपने कपड़े दो, यही चीज मिलेगी, यही कंबल मिलेंगे, यही दाल मिलेगी। समझ आया, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही निगोद अवस्था मतलब सारी पर्यायों की एकदम हीनता, सारे जितने बुरे बुरे कर्म हैं, जितनी हीन प्रकृतियां हैं, सबका सबका उदय। जैसे भी नरक की चर्चा आएगी ना, नरक की चर्चा आएगी तो कैसे भूमि पर टच होते से ही हजारों बिच्छू ने काटा वैसा। अब ये गप्पे हैं, मिट्टी मिट्टी कितनी दुर्गंधित, कोसों के जीव मर जाएं उसकी दुर्गंध से, ये वैसे ही बात है। कैसी गर्मी और सर्दी, ये कुछ वैसे ही बात है। अरे आज भी पकड़ाते हैं युद्ध बंदी, ये रहना ये सब सेना, तो क्या करते हैं सैनिकों को, यातनाएं देते हैं, क्रूर क्रूर। ये पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर से लोग क्यों बचना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के अंटे में जो आया वो फिर नहीं देखते, वो डंडे मार मार के फंस जाए व्यक्ति। कैसी दुर्दशा, बस समझ में आ रही क्या कहना है। ऐसी दशा इस निगोद अवस्था में पराधीन होती है, नरक अवस्था में ऐसी स्थिति है। सर्वप्रथम किसकी दुख की चर्चा चल रही है, निगोद के दुखों को कहते हैं। एक अंतिम बात और बोल रहे हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो इसमें तो उतना ही लिखा है, एक श्वास में डबल सुन लो ध्यान से। एक व्यक्ति के हाथ नाक कान मुंह सब बंद कर दो, उसे बोरे में बांध दो जूट के, वकील साहब, और पंखे से लटकाओ और डंडे डंडे मारो, कितना दुख, बोल नहीं पा रहा, प्रतिकार नहीं हो रहा कुछ, दुख है कि नहीं, बोलो दुख है कि नहीं। ऐसी वेदना, ऐसी वेदना। देखो इस दुख की और थोड़ी सी इमेज कराए आपको, आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति में रहना पड़े जहां पे सब आपके विरोधी हो, आप पे कमेंट्स कर रहे हो, आपकी निंदा कर रहे हो, बोलो वहां पे कैसा लगता है, आपके विरुद्ध बात हो कैसा लगता है, जब मन नहीं मिले वहां रहना पड़े। अरे व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वो वातावरण सहन नहीं होता, एक चीज नहीं सुन सकते अपने मन के विरुद्ध, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तो फिर तन के मन के सबके सबके ही विरुद्ध है वो ज्ञान के, पूरी मन मतलब ज्ञान यहाँ पर अभी, क्योंकि तो द्रव मन तो है ही नहीं, सब विरुद्ध है। कैसी पीड़ा,
केवली परमात्मा जानते हैं और वो जीव भोगता है, ये वाक्य है। क्या कहा? केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान जानते हैं और वो जीव उसका वेदन करता है, उस दुख का वेदन करता है। ये स्थिति निगोद की, मिथ्यात्व अज्ञान और ये निगोद, ये शब्द ये जैन दर्शन की डिक्शनरी में ही है बस। बराबर पढ़िए तीसरा छंद। तस भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहो कही मुनि यथा। काले अनंत निगोद मजार, वित्यो एक इंद्री तन धार। तास भ्रमण की है बहु कथा, इसके भटकने की बड़ी कथा है। बड़ी क्या कहानी सुनाए? तास भ्रमण की है बहु कथा, तथापि पै कछु कहूं कही मुनि। तथापि जैसी पूर्वाचार्यों ने कही, देखो पंडित साहब क्या लिख रहे हैं, हमारे अनुसार नहीं है ये, ग्रंथों को देख के आचार्यों की बात लिख रहे हैं अपनी सरल भाषा में। पूर्वाचार्यों ने कही है उसके अनुसार मैं भी कुछ अर्थात संक्षेप में कहता हूं, संक्षेप में कहता हूं। इस जीव का अनादि से लेके अनंत काल, ओ हो कितना काल, आपको पता है जीव अनादि काल से निगोद अवस्था में ही रहता है। पहले तो नंबर एक हेडक्वार्टर है, वो वही रहता है। दूसरी बात, ऐसे भी अनंत जीव है जो आज तक निगोद से नहीं निकले। तीसरी बात, ऐसे भी अनंत जीव है जो कभी निगोद से नहीं निकलेंगे। क्या कहा? तीन बात हो गए। पहला कौन सा? कि पहले तो जीव अनादि काल से अनंत काल से कहां रह रहा है? निगोद अवस्था में ही, अनादि काल से। और अनादि काल मतलब वो, इसलिए वो अनंत, उसका अनंत काल हो गया। अनंत काल कहां रहा? निगोद अवस्था में, एक वाक हुआ। दूसरा कि अभी भी ऐसे अनंत जीव है जो निगोद से आज तक नहीं निकले। दूसरा वाक, तीसरा वाक कि ऐसे भी अनंत जीव है जो कभी निगोद से निकलेंगे ही नहीं, अर्थात दो तीन चार इंद्री कभी बनेंगे ही नहीं, कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, ऐसे भी जीव हैं। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा, क्या समझाना ये बताना है? हम उस उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, जैसे अपन देखते ना, ये राष्ट्रपति बन गया, ये प्रधानमंत्री बन गए, ये कलेक्टर बन गए, अच्छा उनका लड़का वो बन गया, अरे कैसा हर्ष होता है। हमारे वे बन गए सांसद बन गए, पार्षद बन गए, ऐसे ऐसे हर्ष होता है ना। ये कह रहे हैं कि ये संगी पंचेंद्रीय अवस्था जैन कुल, ये जो अवस्था है ये इतनी उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति हमारी है, ये कहना है। वकील साहब, दादाजी तो बार बार बोलते हैं ये सबसे बड़ा भाग है, इससे बड़ा भाग नहीं हो सकता। इसलिए फिर विद्वान कहते हैं ज्ञानी, अब अवसर चूकना योग छोटी छोटी बातों में, लड़ाई झगड़ों में अवसर चूकना योग नहीं है। कसायों के प्रसंग बने तो टालने में भलाई है,
कसाय बनाओ, प्रसंग बनाओ कसाय के, वो नहीं। तुम तो हार मान लो, हाथ जोड़ लो, भैया सॉरी बोल दो। ये तो पत्नी से ही बोल दें, तो बच्चों से ही बोल दें। तुम्हें यदि शांति चाहिए हो तो पत्नी बच्चों से भी बोल दो। ऐसा है निगोद, क्या लिखा है? इस जीव का अनादि से लेकर अनंत काल निगोद अवस्था में रहा। उस निगोद अवस्था का नाम है नित्य निगोद, निश्चय राशि बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? इस शब्द का परिचय करा रहे हैं आपको आगम के। क्या बोलते? अभी सुनो पहले पूरी बात। क्या बोलते हैं? नित्य निगोद, निश्चय राशि। और जब पहली बार कोई जीव निगोद अवस्था से निकलता है तो उसे बोलते हैं व्यवहार राशि, बराबर। और उसके बाद वह जीव पुनः निगोद अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं इतर निगोद। क्या बोला? हाँ, जो जीव अनादि काल से निगोद अवस्था में, उसे क्या बोलते हैं? निश्चय राशि। और फिर वो जीव दो इंद्री में आ गया, तीन इंद्री में आ गया। और एक बात और बीच में बता रहे हैं, दो इंद्री में आ गया इसका मतलब तीन इंद्री बनेगा ऐसा नहीं है, वहां से निगोद चला जाए और फिर अनंत काल के लिए। जैसे बच्चा गर्भ में आया तो दो महीने का हो जरूरी नहीं है वो मर जाए, छह महीने का हो गया जरूरी नहीं है जन्म है मर जाए, और जन्म ले लिया जरूरी नहीं है वो एक सेकंड का हो जाए, एक सेकंड में मर जाए। भारत में तो बाल मृत्यु दर बहुत है आज भी, जन्म लेते सही महिलाएं और बच्चे दोनों मर जाते। बच्चा होना मतलब महिला का दूसरा जन्म, ऐसा कहा जाता है। बोलो कितनी कठिन अवस्था है। बोलो तो निश्चय राशि या क्या बोला था शब्द दूसरा? निश्चय राशि और नित्य निगोद या निश्चय राशि, ये एक बात है। फिर व्यवहार राशि, व्यवहार राशि आना मतलब दो तीन चार पांच इंद्री बनना, ये क्या कहलाती है? व्यवहार राशि। और फिर उसको वो निगोद का हुआ तो फिर क्या कहलाता है? इतर निगोद। फिर इतर निगोद नाम पड़ता है। अब एक बार ये जीव निगोद से निकल गया, अब ये जीव कभी भी व्यवहार राशि में आ सकता है, बराबर। एक कहानी आपने सुनी है वो याद आ गई अचानक, अभी गारंटी नहीं है कुछ, कोई नियम नहीं है। पुनर्मूस को भव, क्या शब्द बोला? सुन नहीं पाए। पुनर्मूस को भव, सुनिए कहानी। चूहा था, चूहे को एक साधु ने बना दिया, बिल्ली बना दिया, कुत्ता बना दिया, ऐसे वो बढ़ता बढ़ता शेर बना दिया। अब जब शेर बन गया तो ये वक्ता को ही खान लगा, उतरो गद्दी से। तो गुरु तो गुरु होते हैं, एक एक विद्या वो अपने पास ऐसी रखते हैं, एक दाव। तो उस साधु
न उससे कहा भैया जी सियार परेशान कर रहे हैं, चलो तुम्हें शेर बन जाओ। तो शेर बना तो साधु को खाने आने लगा, तो साधु ने एकदम पुनर्मुस को भव क्या बना दिया। ये एक दृष्टांत हुआ, सिद्धांत दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना। ऐसे सुनो, तुम बन गए दो इंद्री, तीन इंद्री, पंच इंद्री, फिर आ गए, फिर सेठ बन गए, फिर श्रावक बन गए, फिर पंडित बन गए, और तुमने कहा हे हम तो कर्म की प्रकृति बोली पुनर्निगोद भाव। बात समझ में आई? पुनर्निगोद भाव, चले जाओ निगोद में, ऐसा है। ये बातें वैसे नहीं बोल रहे, इसलिए बोल रहे हैं ये स्थिति से हमें बचना है, और बचने का उपाय एक ही है, आत्मार्थ की दृष्टि पूर्वक स्वाध्याय होना। कितने उपाय है? दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है दूसरा। लक्ष्य क्या है? आत्मार्थ की दृष्टि पूर्वक स्वाध्याय। बताने के लिए, पंडिताई के लिए, हम भी जानते हैं, हम भी पढ़ते हैं, इसके लिए नहीं। भोजन बताने के लिए नहीं किया जाता, पेट की भूख मिटाने के लिए किया जाता है, वास्तविकता तो यही है। तो ऐसे ही ज्ञान अभ्यास किसके लिए? आत्मार्थ के लिए। बराबर, दया करो, पहले अपने पर पुनर्निबोध भव मत हो, ये कहना, दया करो अपने पर। तो निगोद में ये जीव रहा, नित्य निगोद एवं इतर निगोद, ये दोनों इसमें लिए। फिर एक इंद्री शरीर धारण करके व्यतीत हुआ, एक इंद्री निगोद, निगोद में कितनी इंद्रियां होती हैं? बस एक, कौन सी? स्पर्श इंद्री। अब इसकी कल्पना करो, आंख नहीं, क्या देखोगी? बोलो आंख नहीं, आंख के बिना आज कल्पना कर सकते हैं? आज मोबाइल के बिना जिंदगी कल्पना कर सकते हैं? व्हाट्सएप के बिना? अरे हाना तो करो, मोबाइल के बिना कल्पना कर सकते जिंदगी की? दादाजी जो इनकी, इनसे पूछ रहे हैं, जो मोबाइल वालों से, समझ में आ रहा क्या कहना है? कि जैसे आज मोबाइल जीवन है, टीवी जीवन है, दुकान ही मेरा जीवन है, सर्विस ही मेरा जीवन है, ऐसा वो जीवन दिखता है। ऐसे ही सुनो, आंख के बिना, कान के बिना, नाक के बिना, रसनेन्द्रिय के बिना, बोलो आप कौन सी अवस्था की चर्चा चल रही है? निगोद अवस्था। आंख नहीं है, क्या देखोगे? कान नहीं है, क्या सुनोगे? रसनेन्द्रिय नहीं है, क्या स्वाद लोगे, क्या बोलोगे? बोलो वकील साहब, खतरे की घंटी ये है कि यदि तत्निर्णय नहीं हुआ, अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो ये दशा दूर नहीं है। ये बात है, नित्य एवं इतर निगोद में एक इंद्री शरीर धारण करके व्यतीत हुआ। व्यतीत हुआ, कितनी इंद्रियां आए निगोदी अजीब को? बस एक। कौन सी इंद्री? स्पंद्री। उसके उसके भी सब वो बताए, कितना बड़ा निगोद का शरीर वगैरह के सबके नाप बताए, कितना होता है सूक्ष्म बिल्कुल। भावार्थ, यद्यपि जीव की संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत विस्तृत है, कितनी है? बहुत बड़ी है, इतनी है कि वो भ्रमण की कथा, उसके दुखों की कथा, तीर्थंकर भी करोड़ों वर्षों तक कहते रहे, इतनी कथा है। तथापि पूर्वाचार्यों ने जिस प्रकार अन्य ग्रंथों में कही है, उसके अनुसार मैं दौलतराम भी इस ग्रंथ में संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ।
इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट दशारूप निगोद में एक इंद्रिय शरीर धारण किया है और वहाँ अनंत काल व्यतीत किया है। देखो नरक से भी निकृष्ट दशारूप निगोद शरीर में, मतलब नरक के जितने दुख कहे जाते हैं उससे भी निगोद अवस्था। कारण क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना, अपने वैभव को नहीं जानना, अपने ज्ञान और सुख को प्रकट नहीं करना, फल निगोद है। अब प्रतिज्ञा चोटी बांधने के लिए पल्लू, जैसे कि अब क्या करना है इस पर्याय में, इस समय में, अब समय ज्ञान भेद विज्ञान स्वाध्याय का समय शक्ति ज्ञान किसके लिए? इस पुरुषार्थ के लिए, दूसरा एंगल नहीं कोई। ये दूसरी बात है सब गौण, मुख्य क्या ये स्वाध्याय में। क्यों साहब आपकी स्वाध्याय तब चर्चा क्या चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। ये वाली हो रही कि नहीं हो रही? भेद विज्ञान अज्ञान मिटाने की, क्योंकि दूसरी जो चर्चा है आगम की भी उस पर मिथ्यात्व का असर नहीं पड़ता। अंतिम बात बोल रहे हैं बस, क्या चीटी हाथी को दबा सकती है? याद आ गया दृष्टांत? अरे आया कि नहीं आया? पीसीएन साहब सुना है, वो चीटी हाथी के ऊपर गिर गई थी, याद है? हाँ वो याद नहीं है, वो दो चीटियां हैं, सहेलियां हैं, टहलती हुई चली जा रही है, अचानक धरती हिली तो एकदम चीटी चिक हुआ, एकदम पीछे से आवाज भी आ रही है एकदम चिघाड़ने की। पीछे मुड़कर देखा पागल हाथी चला रहा है, एकदम घबरा के पेड़ के ऊपर चढ़ गई तेजी से। हाथी एकदम नीचे आ गया तो घबरा रही, वो ऐसा विकराल हाथी यमराज जैसा, और सांस वैसे फूल रही उनकी चढ़ी एकदम, और हाथी पेड़ के नीचे, चीटी ऊपर, और एक चीटी एकदम हाथी के ऊपर गिर गई। तो ऊपर वाली चींटी बोलती है दबा दे मौका अच्छा है। सुनना, ये तो सिद्धांत बहुत वो है, जैसे वो चींटी हाथी को नहीं दबा सकती, सुनना ध्यान से बार बार बोल रहे हैं, ऐसे ही दर्शन पूजन पाठ व्रत उपवास अहिंसा दया क्षमा तीर्थ यात्रा दान शुद्ध भोजन अटपैरा घी सफेद कपड़े सिर मुड़ा हुआ। अभी सुन लो पूरी बात हमारी, पहले डिस्टर्ब मत करो। दूसरा, ये पढ़ाई लिखाई परीक्षाएं चार अनियोग का भेद का ज्ञान, ये परलक्षी ज्ञान, इस ज्ञान में और मन कसाय दोनों इस चीटी में ताकत नहीं है कि मिथ्यात्व के हाथी को दबा दे, ये बताना है। बहुत इम्पोर्टेंट है लास्ट की चर्चा निगोद अवस्था से उसको करके, इतनी इम्पोर्टेंट है। दो चीजें बोली हैं, क्या दो चीजें बोली हैं? विशुद्ध परिणाम और परलक्षी ज्ञान, इन दोनों में ताकत नहीं है कि मोए के हाथी को दबा दे। एकमात्र भेद विज्ञान ही मोए के हाथी को दबा सकता है। इसलिए सौगंध राम की क्या है वो, भेद विज्ञान करके रहेंगे, भेद विज्ञान था सिद्धा, हम नहीं बोल रहे, तो आचार्यों के वचन है। एकमात्र भेद विज्ञान। अंतिम बात, छोटे दादा तो ऐसा कहते हैं, पूरे जैन शासन को यदि एक वाक्य एक शब्द में बोलना हो उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ही जैन दर्शन है, जैन धर्म है।
बस समझ में आई। तो क्या चाहिए मोह के हाथी को दबाने? भेद विज्ञान, यथार्थ तत्व निर्णय, अपनी सत्ता स्वरूप का ज्ञान, बस। पक्का? अरे पक्का की कच्चा, पक्का तो आज से सौगंध है बिल्कुल। नानी क्या करना है, है? भेद ज्ञान, नानी का ज्ञान तैयार है बिल्कुल। हमारे बाद नानी का ही नंबर है, या नानी के बाद हमारा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बाकी बीच में और कोई नहीं। वास्तव में उनकी जो परिणति है एकदम बिल्कुल, हम तो फिर भी दूसरे चक्करों में उलझे रहते हैं, लेकिन उन्हें तो एक ही धुन है बस, बराबर। तो निगोद की कथा अब सुनना कि नहीं सुनना? अब तो भेद विज्ञान की कथा सुनना। निजी निधि निज में बताई,